इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और न मदिरा की व्यसनी करें। वे अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। आत्मदर्शन टीवी के सभी श्रोतागणों को जय शु। प्रभु ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, तीतुस के नाम पत्र लिखते हुए संत पौलुस सभी श्रेणियों के लोगों का आह्वान करते हैं। अध्याय 2 वाक्य 1-8 में लिखा गया है। सबसे पहले अध्याय 2:1-2 में, तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व। ये जो भी बुजुर्ग वृद्ध हैं उनके लिए कहा गया है कि वे इसके अनुकूल, इस सिद्धांत के अनुकूल आचरण करें, ताकि वे समाज को, अपने से जो भी छोटे हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सबको वो अच्छा उदाहरण दे सके। दूसरी श्रेणी में संत पौलुस लिखते हैं, इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और न मदिरा की व्यसनी करें। वे अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। ये वृद्ध महिलाएं, इनकी भी जिम्मेदारी यहाँ लिखी गई है कि वे प्रभु भक्तों के अनुरूप रहें, वे झूठी निंदा ना करें, ताकि आसपास बैठे हुए अन्यों को बुरा नमूना ना मिले। तीसरी श्रेणी में महिलाओं के लिए, जो जवान औरतें हैं, शादीशुदा हैं, वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हो, समझदार, शुद्ध और सुशील हो। चौथी श्रेणी में नव युवकों को रखा गया है, उनको समझाने के लिए कि वे हर बात में संयम रखें, हर बात में संयम रखें। और जो धर्म शिक्षा प्रदान करते हैं, जो अगुआ हैं, जो गुरु हैं, उनके लिए भी संत पौलुस लिखते हैं, और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो, तुम्हारी शिक्षा प्रमाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिध्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न करने के लिए लज्जित होंगे। इतना सक्षम होने के लिए हमें आह्वान किया गया है। सवाल यह है बूढ़े बुजुर्गों के लिए कि क्या वे संयमी और गंभीर और समझदार हैं, विश्वास, भ्रातृ प्रेम और धैर्य में परिपक्व है। बुढ़ी महिलाएं जो है, क्या वे प्रभु भक्त बन करके उदाहरण दे रही है या नहीं, कि झूठी निंदा करके बुरा उदाहरण बच्चों को और महिलाओं और जो आसपास बैठे हैं उनको दे रहे हैं। क्या जो भी नारियां शादीशुदा हैं, वे अपने परिवार की देखरेख कर रही है? क्या वे घर का प्रबंध अच्छी तरह से करती है? समझदार, शुद्ध और सुशील है? नौजवान, नव युवक, लड़के लड़कियां, क्या वे संयमी हैं? ये सवाल आज उठ रहा है, हमारे सामने है।
सभी वृद्ध पुरुष महिलाएं नवयुवक सब इन प्रश्नों का अपने आप में जवाब दें, जवाब खोजें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें हमारे मूल्यांकन करने के लिए कृपा प्रदान कीजिए और अगर हम इस राह पर नहीं हैं तो उस राह पर लाइए और ऐसी कृपा प्रदान कीजिए कि हम सही राह पर और तेरे इन वचनों के अनुसार जीवन ढालने के योग्य बन जाएं। आमीन।